बाबा बर्फानी अमरनाथ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भूखे को अन प्यासे को पानी दे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा बर्फानी अमरनाथ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भूखे को अन प्यासे को पानी दे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शंभू से गौरा माँ ने किया है एक सवाल, गले में क्यों नर मुंड की माला डाल बने विकराल। मन व्याकुल है जानने को आज प्रभु बतलाओ, क्या है महिमा नर मुंडों की स्वामी आज समझाओ। हे गौरा जितने जन आपके हैं हुए, उतने ही नर मुंडे हैं मैंने धारण किए हुए। जितने जन्म लेकर गौरा आप आते आएंगी, नर मुंडों की माला भी बढ़ती ही जाएंगी। गौरा माता से शिव सारी बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भूखे को अन प्यासे को पानी दे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महिमा अमर कहानी है, बनके आपकी अर्धांगनी मुझको आनी है। करिए ऐसा जतन प्रभु मैं अमर आप में हो जाऊं, बार बार इस अवतरण से मुक्ति मैं पा जाऊं। इतनी सी कर दो कृपा हे शिव शंभुनाथ, अजर अमर हो जाए मेरा नाम आपके साथ। जन्म मरण की इस चक्र से मुक्ति चाहती हूँ, कैसे होगा आप बताओ युक्ति चाहती हूँ। भोलेनाथ माँ गौरा को फिर ये समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भूखे को अन प्यासे को पानी दे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करके बैठी है माँ गौरा अब की बार, सुना के अमर कथा अमर कर लो विनती स्वीकार।
बोले शंभू पड़ेगा खोजना गुप्त एक स्थान, अमर कथा सुनने ना पाए सिवा तुम्हारे कान। पर्वत हिमालय पर शिव गौरा माँ को लेकर आए, अमर कथा की अमर कहानी कैसे देखो सुनाए। ध्यान लगा कर सुनो हे गौरा कथा सुनाते हैं, अमर कहानी सुनते हैं वो अमर हो जाते हैं। एकांत में होकर शिव फिर कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भूखे को अन्न प्यासे को पानी दे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पहले भोले गौरा गए हैं सबसे पहले भोले ने नंदी का त्याग किया, चंदनवाड़ी में आकर चंदा का त्याग किया, शेषनाग में सर्पों की माला का त्याग दिया, गणेश तोप में आके किया है गणेश जी का त्याग, पंचतत्व की पंचतरणी में कर दिया परित्याग, संगी साथी सबका शिव ने छोड़ा है साथ, एक गुफा में आए हैं गौरा मैया के साथ। अमर कथा के मूल रहस्यों को समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भूखे को अन्न प्यासे को पानी दे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिवजी ने अमर कथा सुनाई, वैसे वैसे माँ गौरा को गहरी नींद है आई। भोलेनाथ को लगा गौरा सुन रही ध्यान लगा, लेकिन कथा को दो पक्षी कबूतर ने है सुना, अमर हो गए दोनों सुनकर अमरनाथ की कथा। शिवजी को उनके होने का नहीं पता है लगा, जिस प्राणी को जोड़े कबूतर के दर्शन है होते, हंसते हुए लौटते हैं जो जाते रोते रोते। जो हिमलिंग के संग में इनके दर्शन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भूखे को अन्न प्यासे को पानी दे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
स्वयं प्रकृति शिव का हिमलिंग को बनाता है। अमरनाथ है नाम, पावन धाम कहलाता है। सावन मास में भक्तों की भीड़ लगे भारी, दर्शन पाके तर जाते हैं लाखों नर नारी। भक्तों ने है नाम दिया बाबा बर्फानी, भूखे को अन प्यासे को जो देते हैं पानी। महिमा जिसकी पावन है जाने सारा जहान, शीश झुकाने से मिले मुक्ति होता है कल्याण। भाग्यशाली होते हैं जो दर्शन को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भूखे को अन प्यासे को पानी दे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। था भक्तों पुटा मलिक था नाम, सबसे पहले दर्शन किया वो जाके पावन धाम। एक साधु ने पुटा मलिक को सिगड़ी था दिया, घर आकर देखा तो हीरा मोती बन था गया। फिर से बूटा मलिक गुफा में दौड़ा दौड़ा आया, साधु अंतर ध्यान हो गया बूटा मिलना पाया। देखा गुफा में बर्फों से शिवलिंग है बना हुआ, बूटा मलिक ने शीश झुकाया समझ गया लीला। शिव की सेवा में बूटा मलिक लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भूखे को अन प्यासे को पानी दे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कहानी बूटा मलिक ने गाँव में बतलाया, मैं हूँ भाग्यशाली जो शिव के दर्शन पाया। गाँव के नर नारी चले हैं देखो गुफा की ओर, हिमलिंग के दर्शन पाके खड़े हैं सब कर जोर। अमरनाथ की यात्रा की हुई है फिर शुरुआत, हिमलिंग रूप लेकर दर्शन देते भोलेनाथ। इसी गुफा में गौरा माँ को कथा सुनाई है, शिव की महिमा जग में वेदों ने भी गाई है। सच्ची भक्ति से ही शिव के दर्शन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भूखे को अन प्यासे को पानी दे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
स्वामी शिव जी की महिमा है अपार, शिव की गुण को गाता है देखो सारा संसार। भक्ति का फल देते हैं पल में मेरे नाथ, देवों के देव है शंभु कहते भोलेनाथ। सत्यम शिवम सुंदरम है मेरे देखो नंदन, अमरनाथ के कथा का वर्णन करता राहुल रंजन। रमैया राज ने सुंदर संगीतों से है सजाया, कुमार अनंत ने भोले की भक्ति में खुद को रमाया। विवेक की नैया को भोले पार लगाते हैं, श्रवण भी गाथा गाते हैं। भूखे को अन्न प्यासे को पानी दे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।